तो भाई ये है टीवीएस जुपिटर बाइक का, टीवीएस जुपिटर स्कूटी का कार्बोरेटर। और ये कार्बोरेटर कैसे काम करता है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कार्बोरेटर की वजह से ऐसे कई सारी समस्याएँ आती है, कई सारी प्रॉब्लम होती है। वो कौन सी प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जहाँ तक देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस कार्बोरेटर को पहले सफाई किया है। इस बाइक में थोड़ी मिसिंग की समस्या थी, हम जब रेस ले रहे थे तो रेस नहीं बन रहा था, तो इसके लिए मैंने इस कार्बोरेटर को खोला है और मैंने इसको साफ़ किया है। सबसे पहले थोड़ी सी मैं हेडलाइन देता हूँ कि इसको साफ़ कैसे किया जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कार्बोरेटर किस तरीके से काम करता है और अगर कोई समस्या अगर आती है तो हमें क्या काम करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैलेज की समस्या आ जाती है बाइक में, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ें भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपकी बाइक स्कूटी स्टार्ट हो जाती है और रेस देने पर झटके लेने लगती है, फिर चलाते हुए में झटके लेती है, रेस देने पर बड़बड़ जैसा आवाज़ करता है, तो आपको पूरी तरीके से कार्बोरेटर को खोल के सफाई करना चाहिए। और साथ में इसमें जो जेड होता है, स्लो जेड, मेन जेड, ये दो जेड, दोनों जेड को खोल के आपको अच्छी तरीके से सफाई करना है। साथ में इस तरह का एक तार लेना है और तार को एक इसके अंदर डाल के इसको साफ़ करना है। फिर जब सारे पार्ट्स को सफाई करेंगे और एक तरफ से फिट करने के बाद स्टार्ट करेंगे, तो ये सारी जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। तो इस तरह की समस्या जो होती है दोस्तों, कई बार एयर फिल्टर गंदा हो जाने की वजह से या फिर पेट्रोल के साथ पानी आ जाने की वजह से, इसके वजह से ये समस्या आती है। अगर आपके बाइक में माइलेज की समस्या अगर आ जाती है, तो माइलेज की समस्या के लिए आपको ये चौक और ये स्क्रू को, ये दो काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ कि कार्बोरेटर किस तरीके से काम करता है। जैसे कि इस बाइक में जहाँ तक देख सकते हैं कि हम इसकी जो फ्यूल की जो सप्लाई होती है वो थोड़ा अलग है। जब हम किक दबाएंगे तब ऊपर से पेट्रोल टंकी से पेट्रोल गिरेगी, या फिर हम सेल्फ दबाएंगे तभी पेट्रोल गिरेगी, इस तरह का कनेक्शन होता है इस बाइक में। अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है तो आप डायरेक्ट चेक करें, डायरेक्ट आपको चेक ही करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको पेट्रोल का टीच अगर चेक करना है तो यहाँ देख सकते हैं, ये पेट्रोल का पाइप है, ये कार्बोरेटर में लगा हुआ आता है। आप इस पाइप को खोलेंगे और इस पाइप को खोलने के बाद आपको मुंह में लगाना है, इस पाइप से हवा खींचना है। हवा खींचने पर उसका जो वाल होता है वो वाल बाहर आ जाता है और पेट्रोल नीचे गिरने में मदद करता है। इस पाइप को खींचने के बाद, हवा खींचने पर अगर पेट्रोल नहीं गिरता है तो चाहे तो पेट्रोल की कमी है टंकी में या फिर पेट्रोल का जो टी होता है वो ख़राब हो गया है, इस पर बिल्कुल फ्री गिरना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले पेट्रोल का जो पाइप होता है इसमें लगा हुआ आता है और इस पाइप के ज़रिए से, इस सुराख के ज़रिए से ये पेट्रोल इसमें आता है फ्लूड के वाल में। जो ये फ्लूड वाल इसमें लगा हुआ आता है इस तरीके से, और साथ में ये फ्लूड डिब्बी भी होती है, ये कुछ इस प्रकार ये लगा हुआ होता है दोस्तों। और इसको हम इस तरीके से लगाते हैं, जब ऊपर से पेट्रोल गिरेगी तो ये डिब्बी बाहर की ओर रहेगी और फ्यूल इसका जो वाल होता है वो नीचे की ओर रह जाती है, जो पेट्रोल नीचे गिरने में मदद करता है। और ये ऊपर जाने के बाद पेट्रोल को ब्लॉक कर देता है, नीचे गिरता नहीं है। तो इसी प्रकार कभी भी अगर ओवरफ्लो की अगर समस्या आ जाती है, ओवरफ्लो अगर होने लगता है, तो इस फ्लूड वाले वाल में कुछ कचरा वगैरह आ जाता है, और कचरा आने की वजह से जब ये ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ से पेट्रोल को ब्लॉक नहीं कर पाता और पेट्रोल गिरता रहता है। इसी वजह से हमारी बाइक का पेट्रोल ओवर होने लगता है और गिरने लगता है। और सबसे इसमें देखते हैं अहम वाली बात दोस्तों, कि इसमें जो पेट्रोल ओवर वाली जो सिस्टम है ये थोड़ा अलग है। यहाँ से पेट्रोल ओवर वाला तो नीचे गिर सकता है, लेकिन हम जो यहाँ से पेट्रोल को निकाल सकते हैं, जैसे कि बाय द वे कभी इसमें पानी आ गया, जो हम बाइक में इमरजेंसी के लिए हम बाहर से पेचकस को यहाँ से ढीला करके हम यहाँ पे सारा भी पेट्रोल या कचरा पानी कुछ भी अगर अंदर में होता है तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो उस तरह का आप इसमें नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए पूरा कार्बोरेटर खोल के ही, ये ढक्कन को खोल के आपको साफ़ करना होगा। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया गया है। इस बाइक का अगर पेट्रोल ओवर हो जाता है तो डायरेक्ट इस पिन के जरिए से, सुराख के जरिए से यहाँ से गिर जाती है। और ऐसा भी नहीं कि ओवरफ्लो नहीं दिया गया है, ये ओवरफ्लो है। और साथ में यहाँ देख सकते हैं, ये जो सुराख है ये एयर के लिए दिया गया है, ये एयर के लिए है, नहीं ये चौक के लिए है। ये इस तरीके से लगता है, ये चौक में काम करेगा। तो चौक किस तरीके से काम करता है मैं आपको इसके बाद ये बता देता हूँ।
अब यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो जेड बड़ा वाला जल, ये एक्सीलेटर पे थ्रोटल स्लाइड पिन के जरिए से काम करता है। जब हम एक्सीलेटर खींचेंगे उसके जरिए से एयर अंदर की ओर जाएगी और इसके पेट्रोल की सप्लाई होगी, ठीक है। और ये एयर स्क्रू जो है, ये वाला जो जेड है ये एयर स्क्रू के जरिए से काम करता है। हम जब मिक्सर को यहाँ से मिलाएंगे, इस जेड से जब हम मिक्सर को मिलाएंगे, ढीला करेंगे, तो पेट्रोल इसमें क्या है कि जब हम इसको टाइट करते हैं तो पेट्रोल ज़्यादा लेता है और लूज करते हैं तो पेट्रोल कम लेता है। इसमें इसका जो सिस्टम होता है दोस्तों, ये एयर के हिसाब से होता है। इसका हम कम एयर अगर कम या ज़्यादा करते हैं तो उसी के हिसाब से ये पेट्रोल की खपत होती है। तो ये वाला ऐसा काम करता है, ये डायरेक्ट रहता है और ये एयर स्क्रू के साथ काम करता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इधर दो सुराख हैं, ये कार्बोरेटर, ये फिल्टर की तरफ होता है। जब हम किक दबाते हैं तो इधर से हवा अंदर की ओर खींचता है, हवा खींचता है। और यहाँ देख सकते हैं ये दो सुराख हैं, एक बड़ा वाला ये जो सुराख है, ये वाला सुराख आ जाता है बड़े वाले जड़ में और छोटा वाला सुराख आ जाता है छोटे वाले जड़ में। तो जब हवा की खिंचाव होती है तो इसके साथ इस दोनों सुराख में भी हवा जाता है और इन्हीं के जरिए से पेट्रोल ऊपर की ओर खींचा जाता है। और अभी की जो BS6 बाइक आने लगी है, इसका कनेक्शन अलग है, जो इस तरह का कनेक्शन नहीं है। हम इसमें ये जानते हैं कि जब हम किक दबाते हैं तो अंदर से कंप्रेसर के जरिए से हवा खींचता है, और हवा खींचने की वजह से यानी पिस्टन की जरिए से ही इसके पेट्रोल कार्बोरेटर में जाती है, ठीक है। अगर पिस्टन हवा नहीं खींचेगी तो इसका जो पेट्रोल है वो भी अंदर की ओर नहीं जा पाएगी। लेकिन उसका कनेक्शन अलग है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा, उसके पेट्रोल की खपत कैसी होती है, पेट्रोल आखिर इस तरह कैसे जाता है। जैसे कि मैं फिर से बता दूँ कि इसमें यहाँ से अगर हवा अंदर की ओर जाएगी तो थोड़ा हवा इसका जेड में जाता है, और इस जेड के जरिए से फिर पेट्रोल भी हवा के जरिए से अंदर की ओर जाती है इनटैक वाले वाल से सिलेंडर ब्लॉक में, जो पेट्रोल फिर जलता है और वहाँ से बाइक स्टार्ट होती है। अगर पिस्टन आपका हवा नहीं बनाने लगे, कोई तरह का बात आ जाए, रिंग टूट जाए या रिंग जाम हो जाए, तो उसके वजह से पेट्रोल की खिंचाव नहीं होगी और फिर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, इसीलिए कि पेट्रोल इसका अंदर की ओर नहीं जा पाती है। अब एयर मिक्सचर को भी मैंने आपको बता दिया कि एयर मिक्सचर को सेट कैसे किया जाता है। अगर इसको फुल टाइट करेंगे तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाने लगेगी, क्योंकि यहाँ से जो हवा है इसका जो हवा होता है दोस्तों, ये हवा को बंद कर देता है और यहाँ से पेट्रोल लेना बंद कर देता है। इसी वजह से ये जब यहाँ से हवा को बंद कर देता है तो फिर ये एक तरफ से चौक के हिसाब से ये पेट्रोल लेने लगता है, एक्स्ट्रा पेट्रोल लेने लगता है चौक के जरिए से, ठीक है। इसको अगर ढीला करेंगे 350 रुपये अगर रखेंगे तो आपके बाइक का पेट्रोल कम खाएगी, माइलेज अच्छी देगी। अब मैं आपको बता दूं चौक कैसे काम करता है। इसका जो चौक है दोस्तों, यहाँ से कनेक्शन दिया गया है। चौक का जो पिस्टन होता है, जब ऊपर की ओर खींचते हैं तो यहाँ से इसका जो हवा है, देखिए यहाँ भी एक सुराख दिया गया है, एयर फिल्टर के जरिए से हवा चौक के अंदर जाती है और ये चौक के जरिए से फिर ये जो पाइप दिया गया है ये यहाँ पर आके आता है। नीचे जितना भी पेट्रोल अगर बचा हुआ रहेगा, बाइक जो हमारी बंद होती है तो सारे पेट्रोल यहाँ से जलते नहीं है, थोड़ी बहुत पेट्रोल यहाँ से रह जाती है, इसीलिए हम चौक का इस्तेमाल करते हैं। और चौक का इस्तेमाल ऐसा भी होता है, जब चौक लेते हैं तो पेट्रोल ज़्यादा लेने लगता है, ज़्यादा इसलिए लेता है कि थोड़ा चौक से भी पेट्रोल ले लिया और थोड़ा इसके जेड से भी पेट्रोल ले लिया, इसीलिए बाइक हमारी जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। बाइक पर अगर पेट्रोल जैसे ख़त्म हो जाती है और बाइक को हम स्टार्ट करते हैं चौक लगा के, तो हमारी बाइक कैसे चल जाती है, तो यही कारण है कि इसका जो सुराख है बहुत ही नीचे सुराख है इसका, और इसी सुराख के जरिए से इस पाइप में आता है, और इस पाइप के जरिए से फिर देख सकते हैं ये जब हम चौक को खींचते हैं तो यहाँ से अंदर में जो सुराख होता है उस सुराख को और भी ओपन कर देता है, खोल देता है, और ये सारे पेट्रोल को इसके जरिए से फिर हेड में चला जाता है। ये देख सकते हैं ये हेड की तरफ रहता है दोस्तों और ये फिल्टर की तरफ, तो इसके जरिए से ये पेट्रोल डायरेक्ट उठा के ये इस हेड में डायरेक्ट दे देता है, इसीलिए हमारी बाइक जल्दी स्टार्ट हो जाती है। कई बार चौक अगर खींचा हुआ रहता है तो हमारी बाइक पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाने लगती है, तो यही कारण है कि वो क्या करता है कि इधर से भी पेट्रोल लेने लगा और इधर से भी पेट्रोल लेने लगा, दोनों तरफ से पेट्रोल लेने लगा, इसीलिए वो जल्दी यानी ज़्यादा पेट्रोल खाने लगता है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, अगर पेट्रोल अगर आपकी बाइक ज़्यादा खा रही है, बहुत ज़्यादा खा रही है, जैसे 50 का माइलेज और 20 का माइलेज दे रहा है, तो आपको ये कन्फर्म होना है कि चौक की समस्या है। कई बार क्या होता है चौक इसका जाम रहता है, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। मैं आपको इस बाइक का चौक भी दिखा दूँ, इस बाइक में भी यही कारण है, ये प्रॉब्लम है कि इसका कहना है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रहा है। मैं आपको चौक दिखा देता हूँ इसका, और यहाँ देख सकते हैं ये जो दूसरा जो सुराख है, ये सुराख इसलिए दिया गया है कि इस सुराख का कनेक्शन यहाँ से है। देखिए जब बाइक हमारी गिर जाती है तो इस सुराख के जरिए से यहाँ से पेट्रोल नीचे गिरता है, इसलिए ये दिया गया है, और इससे एयर भी लेता है,
यहाँ पे जो पेट्रोल रुकता है इसके अंदर में, इसके वजह से इसके ज़रिए से एयर भी लेता है। अगर इसको बंद कर देंगे तो फिर एयर लेना एयर ठीक से अंदर नहीं पहुँचेगी और पेट्रोल की भी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो इसे भी हमें बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या करते हैं दोस्तों, जैसे बाइक का ओवरफ्लो होता है तो भाई क्या करते हैं, इसका जो पाइप होता है वो ऊपर की ओर देते हैं या फिर बांध देते हैं या उसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। हमें इसको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बाइक का ओवरफ्लो अगर होती है तो ओवरफ्लो होने के बाद ये जो इसको अगर बंद कर देंगे तो ये सारे जो पेट्रोल है दोस्तों, ये सारे पेट्रोल आपका इस देख सकते हैं, ये सारे पेट्रोल इसके ज़रिए से इस जेट के ज़रिए से अंदर जाके ये फिर इंजन में चला जाता है, थोड़ा इंजन में चला जाता है इधर से, थोड़ा पेट्रोल इसमें चला जाता है एयर फिल्टर में, तो इन्हीं की वजह से फिर बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होने लगती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ चुके हैं, मैं किस तरीके से आपको समझा पाया आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।